हेलो गाइस, मेरा नाम है जीतू। आप देख रहे हो जीतू इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मेरे पास से बोट वेव अल्टीमा स्मार्ट वॉच से आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए स्मार्ट वॉच आपको कैसा लगा। चलो इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाली हुई है। आज हमारे पास से बोट वेव अल्टीमा स्मार्ट वॉच है। आपको बॉक्स आपको इस तरह से दिखेगा। जैसे आपको पीछे की तरफ देखा जाए, पीछे में काफ़ी सारे फंक्शंस में लिखा हुआ 550 नाइट्स, आपको ब्राइट लाइट्स रहेगा, हार्ट रेट, स्लीप और स्ट्रेस मॉनिटरिंग रहेगा, आपको क्लाउड कस्टम वॉच स्पेसेस रहेगा, काफ़ी सारे कॉल, टेक्स्ट, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन रहेगी। और ये आपको एंड्रॉयड 7 के सभी स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हो और एप्पल का रहेगा तो iOS 12 के वर्जन के ऊपर सभी फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। और 100 स्पोर्ट मोड रहेगा, IP68 डस्ट एंड स्वेट रेजिस्टेंस रहेगा, आपको म्यूजिक कंट्रोल रहेगा और भी 1.8 क्रू डिस्प्ले रहेगी इसकी। आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी इसमें आपको मिलेगा। और MRP की बात की जाए, MRP आपको 6990 है, इतना है नहीं, इसका लॉन्चिंग प्राइस आपको 3000 है। जैसे ओपन करने में आपको इस तरह से शो होगा। सबसे पहले स्मार्ट वॉच बाहर निकल लेते हैं और भी साथ में क्या वो भी देख लेते हैं। एक आपको मैग्नेटिक केबल मिले चार्ज के लिए और भी आपको 1 ईयर वारंटी का देगा। ये आपको यूजर मेन्यू रहेगा कैसे यूज़ करना है, इसमें आपको सब लिखा हुआ मिलेगा। और भी वॉच देगा तो वॉच आपको सिलिकॉन बेस पे बेल्ट मिले, काफ़ी अच्छे बेल्ट है, एकदम सिलिकॉन बेस पे मिलेगी आपको। और क्लिप की बात की है, क्लिप आपको मेटल का रहेगा और बेल्ट आपको काफ़ी सॉफ्ट मिलेगा, स्ट्रैप आपको काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम सिलिकॉन बेस पे है। और भी उसको स्टिकर भी हटा देते हैं। और वॉच के डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही है। और नीचे की तरफ आपको जो चार्जिंग पैड पोर्ट मिलेगा, ये आपको सेंसर्स रहेगा और ये आपका स्पीकर्स रहेगा, ये आपको एक बटन्स रहेगा और ये आपको माइक के रहेगा। और डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले आपको कर्व टाइप मिलेगी, ऊपर से आपको कर्व रहेगा, नीचे से भी कर्व टाइप डिस्प्ले की, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लग रही है। ऊपर से आपको डिस्प्ले आपको इस तरह से मिलेगी और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, 1.8 इंच का इसका आपको डिस्प्ले मिलेगा, कर्व डिस्प्ले आपको मिलेगा। ओवरऑल देखा तो क्वालिटी काफ़ी मस्त है और लुक्स वे भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और भी उसको कनेक्ट करके देख ले। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको वॉच को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए आपको साइड का बटन प्रेस करके रखिए, जैसे प्रेस करके आपका वॉच ऑन हो जाएगा। सबसे पहले आपको फ़ोन में आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में बोट वेव ऐप करिए, उसको ओपन कर लीजिए। मैंने डाउनलोड किया हुआ ऑलरेडी, इधर से अलाउ कर लीजिए। रजिस्टर नाउ में जाइए, इसमें क्लिक कीजिए, आई एग्री कर लीजिए, करना चाहता करने में स्किप भी आप कर सकते हो, हम स्किप कर लेते हैं। इधर से आप अलाउ कर लीजिए, लोकेशन ऑन कर लीजिए, बाद में इधर आपको डाटा डाल दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो डाल दीजिए, आपकी हाइट कितनी हो कर लीजिए, आपका वेट कितना है, जो भी आपका बाय डेटा वो लगा सकते हैं इधर। आपका कितना गोल है, सेटअप गोल, बाद में फिनिश कर लीजिए। बाद में देखो आपका वॉच है क्या है, हमारा वॉच है, वॉच के ऊपर क्लिक कीजिए, इधर से आप अलाउ कर लीजिए, ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे अल्टीमा लिख के आएगा जैसे आप क्लिक कर लीजिए, अभी हमारा वॉच फ़ोन से कनेक्ट हो रहा है। इधर से आप राइट कर लीजिए, ये हमारा वॉच कंप्लीट सक्सेसफुल एकदम कनेक्ट हो गया है। इधर से आप फिनिश कर लीजिए, इधर से आप अलाउ कर लीजिए, ये भी अलाउ कर लीजिए। बाद में आप मैसेज नोटिफिकेशन करेगा, सेट में जाइए, इधर से आप ओके कर लीजिए, इधर से आप राइट कर लीजिए, बाद में बैक जाइए, कॉलिंग का भी ऑन रखिए, बाद में यस कर लीजिए। ये हमारा ऐप का होम पेज रहेगा, यहाँ पर पूरा एनालिसिस आपको दिखाई देगा। ये आपका यूजर्स रहेगा, ये आपको यूजर्स रहेगा, इसमें आपको मैसेजिंग का वगैरह इधर आपको दिखाई देगा। बाद में आपको डिवाइस में जाइए, डिवाइस में अल्टीमा पर आप क्लिक कीजिए, ये अपना वॉच का सेटिंग्स रहेगा। वॉच का सेटिंग्स में आपको सबसे पहले वॉच पेसेज आएगा, इसमें वॉच पेसेज आपको जो भी लगाना है उसके में चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आएगा उसका क्लिक कीजिए,
क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लीजिए और सेट कर लीजिए, तो ये हमारे वॉच पे से हमारे वॉच के अंदर आ जाएगा। इसमें कोई भी से यस कर लीजिए, बाद में फिनिश कर लीजिए, इंस्टॉलिंग कर लीजिए। जैसे देखा था इंस्टॉलिंग 100% हो गया, 99% हो गया है, ये अपना सक्सेसफुल हो गया है और ये वॉच फेसेस हमारे फ़ोन के अंदर आ गया है। ये हमारा वॉच फेस हमारे वॉच के अंदर आ गया है। बाद में आपको फ़ोटो लगाने का था, इधर से जाइए, यहाँ पे जाके आपको फोटोज़ में जाइए, सिलेक्ट एल्बम में जाइए, आपको जो भी फ़ोटो लेना चाहिए उसको क्लिक कीजिए, बाद में क्रॉप कर लीजिए, बाद में फिनिश कर लीजिए, बाद में इंस्टॉल कर लीजिए आपका वॉच फेसेस का। आप जो भी आपने फ़ोटो सिलेक्ट किया है ये आपके वॉच के अंदर आ जाएगा। बाद में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग रहेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, इनेबल इनेबल, SPO2 डिसेबल है, हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं, अलाउ आई एग्री कर लीजिए, अलाउ कर लीजिए। बाद में ड्रिंक वॉट रिमाइंडर, स्टैंडरी अलर्ट से, हैंड वॉचिंग रिमाइंडर, इधर आप ऑन ऑफ इधर से आप कर सकते हो। बाद में अलार्म क्लॉक है, जिससे आप अलार्म भी वॉच के अंदर लगा सकते हो, आपको जो भी अलार्म लगाना है जिससे आप सेट कर सकते हो अलार्म वॉच के अंदर। इसके बाद आपको मैसेज नोटिफिकेशंस रहेगी, यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है, और जिसका भी नोटिफिकेशन नीचे चाहिए ऑफ कर लिए, जो चाहिए वो इधर से ऑन कर सकते हैं। बाद में कॉल का इवेंट रिमाइंडर रहेगा, इधर इवेंट रिमाइंडर भी रख सकते हो, आप कोई भी रिमाइंडर लिखना हो लगा सकते हो। बाद में कॉल का हमने इनेबल किया हुआ है, और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट वॉच के अंदर ऐड कर सकते हो, जो भी कॉन्टैक्ट चाहिए वो आप वॉच के अंदर ऐड कर सकते हो, 20 कॉन्टैक्ट इस वॉच में ऐड कर सकते हो। बाद में ऑटो स्पॉट रिकॉर्डिंग देगा, ड्रिंक ये भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बाद में आपको डिवाइस वॉच को अपडेट इधर से कर सकते हो, हमारा वॉच ऑलरेडी अपडेट ही है। बाद में बैटरी लाइट लाइट इंडिकेटर से, इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, हम ऑन कर लें ऑटो नॉइज डिटेक्शन ऑन। बाद में फीडबैक है, बाद में अबाउट्स रहेगा वॉच के बारे में, इधर आपको सब लिखा हुआ मिलेगा। ये उसका वॉच का सेटिंग्स रहेगा, और ये आपका ऐप का होम पेजेस रहेगा। और भी देखा जाए डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये ऊपर से आपको चेंज करना रहेगा वॉच फेसेस, तो इधर से कर सकते हो। जैसे ऊपर से स्लाइड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रहेगा, नीचे से ऊपर करेंगे तो आपको DND मोड रहेगा। बाद में ये वॉक गेस्ट ऑन कर लेते हैं, बाद में लाइट का रहेगा कम ज़्यादा कर सकते हो, हम दो पे रखते हैं। बाद में कॉलिंग का ऑप्शन रहेगा, इसके बाद अलार्म्स रहेगा, बाद में टॉर्च लाइट रहेगा, और आपको पिन डिवाइस रहेगा, ये आपका सेटिंग्स रहेगा। सेटिंग्स में क्या क्या है, ये हमने ऑन किया हुआ DND मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, बाद में रिंग चेंज कर सकते हैं, ऐप का व्यू कर सकते हैं, लिस्ट में करना है, ग्रेड में करना है, ग्रिड में कर लेते हैं। बाद में वॉच का वॉच फेसेस रहेगा, लाइट ब्राइट लाइट रहेगा, कितना सेकेंड आपको स्क्रीन ऑन रखना है इधर से आप कर सकते हो, जैसे हम 14 सेकेंड कर लेते हैं। ऑटो ब्राइट लाइट है वो भी ऑन कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है ऑटो ब्राइट लाइट का। और आपको पावर ऑफ रहेगा, रिसेट रहेगा, रिस्टार्ट रहेगा, रिसेट रहेगा, बाद में अबाउट रहेगा, और इधर स्लाइड साइड में स्लाइड करने में आपको एक्टिविटी एकदम शॉर्ट में मिलेगी, वेदर कार्ड वगैरह, म्यूजिक कंट्रोल इधर से आप कर सकते हो। ये होम पे आ गया वापस, ये हमारे सबसे पहले आपको हेल्थ डेटा मिलेगा, ये आपको एक्टिविटीज रहेगी। बाद में स्पोर्ट मोड रहेगा, कोई भी स्पोर्ट मोड आप कर रहे हो इधर, उसको बाई आउटडोर वॉकिंग है, इसको आप क्लिक कीजिए, बाद में स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाद में ये आपको पूरा एनालिसिस इधर आपको दिखाई देगा, राइट कर लीजिए, वापस बैक कर लीजिए। बाद में फ़ोन का रहेगा,
फोन कॉल हिस्ट्री रहेगी, इधर से डायलर से कहते हैं डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हो। स्पोर्ट रिकॉर्ड रहेगा, बाद में हार्ट रेट रहेगा, जैसे हार्ट रेट भी हम चेक कर लेते हैं हमारा कितना दिखा रहा है। जैसे देखा था बीपीएम 105 है हमारा, बाद में ब्लड ऑक्सीजन भी चेक कर लेते हैं, जैसे देखा 97 आ रहा है ब्लड ऑक्सीजन, 96 के ऊपर आना चाहिए आपका। बाद में स्ट्रेस रहेगा और आपको ब्रेथ ट्रेनिंग रहेगा, जिसे आप रिलैक्स फील कैसे फील करते हो दिखाएगा इधर। और सबसे नीचे आपको स्लीप टाइम रहेगा, बाद में आपको वेदर दिखाएगा, ये आपका म्यूजिक कंट्रोल है, इधर से म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। बाद में इवेंट इवेंट रहेगा, क्लार्क रहेगा और लाइट फ्लैश लाइट पिन बॉन फोन रहेगा, ये इसका यूजिंग रहेगा। और भी कॉलिंग भी देख लेते हैं, कॉलिंग में आपको कैसा रहेगा, और भी वॉच पे कॉलिंग करके भी देख लेते हैं, कॉलिंग आने पे आपको किस तरह से शो होगा वो भी दिखा दे, जिस तरह इस तरह से आपको शो होगा। इधर आप फोन से भी रिसीव कर सकते हो, इससे भी रिसीव कर दो, जैसे रिसीव करना है क्लिक कीजिए, हेलो 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 हेलो, जैसे कंप्लीट वॉइस आ रहा है, कंप्लीट बात हो रही, कोई इश्यू नहीं हो रहा है, बस इधर आप कट भी कर सकते हो। और इसको वॉच से कॉल करना है तो वॉच से भी आप कॉल से कर सकते हो, आप फोन में जाइए, ये हमका हमारा कॉल हिस्ट्री है, जैसे कॉल आई मैंने इस पर कॉल किया, हेलो हेलो, जैसे आप कॉल भी कर सकते हो। ये डायलर रहेगा, इधर से भी आप कॉल लगा सकते हो, ये मैंने कस्टमर केयर में बात कॉल किया है, कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हो। बाद में आप कट कर लेते हो, ये इसका यूजिंग रहेगा। और ऊपर आपको नोटिफिकेशन रहेगी, यहाँ पे आपको सब नोटिफिकेशन दिखाएगी, जैसे कोई भी मिस कॉल आएगा वगैरह आएगा, तो इसे आपको ऊपर नोटिफिकेशन आएगी। जैसे मैंने कॉल किया अभी और मैंने कट कर लिया, तो आपको इधर आपको नोटिफिकेशन रहेगी, जैसे ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपका मिस कॉल से ऑप्शन रहेगा, इधर से आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके लिए काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन भी काफ़ी मस्त है। और भी हम वॉच का सेंसर भी चेक कर लेते हैं, कंप्लीट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे देखा सेंसर में कोई इश्यू नहीं हो रहा, एकदम कंप्लीट वर्क कर रहा है। जैसे आप ऊपर एंड करेंगे तो आपका वॉच का लाइट ऑन हो जाएगा, इसके लिए आपको उस पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ओवरऑल देखा जाए मेरे हैंड में भी काफ़ी अच्छी लग रही है और लुक वाइज भी काफ़ी मस्त लग रहा है। और वॉच के डिस्प्ले की बात की जाए, 1.8 इंच आपकी डिस्प्ले का एचडी डिस्प्ले रहेगी, और उसको चार्ज लगाने में मैग्नेटिक केबल रहेगा, जैसे आप चार्ज इनपुट करेंगे तो आपको इस तरह से शो होगा, और ये चार्ज होने में आपको 2.5 घंटा टाइम जाएगा, 2.5 घंटे में फुल हो जाएगी। और उसका बैटरी बैकअप की बात की जाए, बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा है, आपको ब्लूटूथ कॉलिंग से यूज़ करेंगे तो आपको 5 डेज रहेगा, और ओनली नोटिफिकेशन में यूज़ करेंगे तो आपको 8 डेज का बैटरी बैकअप रहेगा। बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी बात है, और उसका 340 mAh आपको बैटरी कैपेसिटी रहेगी। और ये वॉच में ज़्यादा वेट भी नहीं है, एकदम लाइट वेट में मिलेगा, 45.7 grams का वेट है, ज़्यादा वेट नहीं है। ओवरऑल देखा था ये वॉच आपको लॉन्चिंग प्राइस 3000 है, इसके लिए देखा था काफ़ी अच्छी वॉच है और लुक्स वाइज भी काफ़ी मस्त लोग है। आपको पसंद आया तो उसको बाय कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, दूसरे आप उसको बाय कर सकते हो। और भी उस वॉच के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और आपको उसमें कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।